हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जामान और आप सबको स्वागत है एग्जाम एपेक्स चैलेंज में। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से वीकली करंट अफेयर्स का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम जो बायोलॉजी के 500 का सीरीज करने शुरू कर रहे थे उसका हम ये तीसरा पार्ट रहेगा। यहाँ पे भी हम तकरीबन 50 क्वेश्चन के आसपास देखेंगे जो सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को आने वाले रेलवे की हर एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। और जो हमें 500 की सीरीज जो करने वाले हैं, इस 500 के क्वेश्चन के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत ही कम आने का चांस रहेगा। तो और इसका भी PDF आप लोगों को डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल में ज्वाइंट हो जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल में भी इसका भी PDF आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए अब सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया वॉज डिस्कवर्ड बाई, किसने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था? एंटनी वेन लियनहुक ने बैक्टीरिया डिस्कवर किया था। हु वॉज डिस्कवर द पास्टुराइजेशन ऑफ मिल्क, मिल्क का जो पास्टुराइजेशन होता है उसको किसने डिस्कवर किया था? लुइस पास्टूर ने इसको डिस्कवर किया था। इन हाउ मच टेम्परेचर द मिल्क इज पास्टराइज, कितने टेम्परेचर में मिल्क पास्टराइज हो जाता है? 62 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में वो पास्टराइज हो जाता है। ह्यूमन डिजीज थायराइड इज कॉज्ड बाय, थायराइड किस कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण थायराइड होता है। स्टडी ऑफ फंगी, स्टडी ऑफ फंगी को हम क्या कहते हैं? उसे माइकोलॉजी कहा जाता है। द एंटीबॉडी पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाई, जो एंटीबॉडी पेनिसिलिन होता है उसको किसने डिस्कवर किया था? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उसको डिस्कवर किया था 1927 में। लीचिन विच अपीयर ऑन द बार्क ऑफ द ट्री आर कॉल्ड, जो पेड़ के बार्क में जो लीचिन पैदा होता है उसको क्या कहता है? उसको कॉर्टिकॉल उसको कहा जाता है। स्टडी ऑफ एल्जाई क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ एल्जाई को हम फिकोलॉजी कहते हैं। एल्जाई स्टोरेज देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ, एल्जाई अपना फूड किस फॉर्म में स्टोरेज करता है? वो स्टार्च के फॉर्म में अपना फूड को स्टोरेज करता है। इन रेनी सीजन द ग्राउंड सरफेस आर द लैंड बिकम ग्रीन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, रेनी सीजन में मानसून सीजन में जो ग्राउंड होते हैं वो ग्रीन टाइप के होते हैं कहीं कहीं पे, वो किस लिए होते हैं? वो ब्लू एल्जाई की प्रेजेंट रहने की वजह से होता है वो। द एडिबल पर्शन ऑफ कोकोनट इज, कोकोनट के जो पर्शन हम खाते हैं उसको हम क्या कहा जाता है? उसको इंडोस्पर्म उसको कहा जाता है। स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ फ्लावर को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी, एंथोलॉजी स्टडी ऑफ फ्लावर कहा जाता है। मेंशन सम एग्जांपल ऑफ ट्रू फूड, सम ट्रू फूड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ट्रू फूड और फॉल्स फूड ऑप्शन में दे देता है कुछ फ्रूट और बोल देता है कि कौन सा फ्रूट ट्रू है और कौन सा फ्रूट फॉल्स फ्रूट है। ट्रू फूड जैसे कि मैंगो, पोटैटो, माइस, एंड फॉल्स फूड की बात करें तो एप्पल, जैक फ्रूट, पियर। द स्टडी ऑफ एनुअल रिंग ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड, प्लांट का जो एनुअल रिंग होता है उसको स्टडी को क्या कहा जाता है? उसी एनुअल रिंग के द्वारा हम किसी भी प्लांट का भी एज क्या एज है वो हम जान सकते हैं। इसको कहा जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी स्टडी ऑफ एनुअल रिंग को कहा जाता है। द ट्रीज यूजली फॉल ऑफ लीव्स फ्रॉम द ट्रीज इन पोस्ट विंटर सीजन इज कॉल्ड, जो सारे पेड़ अपना पौधा को छोड़ देता है विंटर सीजन में उसको हम, उन पेड़ को हम क्या कहते हैं? डिसीडुअस कहते हैं। व्हाट इज द मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर, फ्लावर का मेल सेक्स ऑर्गन क्या है? स्टैमिन,
फ्लावर का मेल सेक्स ऑर्गन है। द प्लांट हार्मोन ऑक्सिन वॉज डिस्कवर बाई, किसने ऑक्सिन को डिस्कवर किया था? चार्ल्स डार्विन ने ऑक्सिन को डिस्कवर किया था। इन भोपाल गैस ट्रीटी व्हिच गैस इज रिलीज, भोपाल गैस ट्रीटी में कौन सा गैस रिलीज हुआ था? ये तो बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा सारे एग्जाम में। मिथाइल आइसोसायनाइड गैस वहाँ पे रिलीज हुआ था। व्हाट इज कॉल्ड ग्रीन प्रोटोजोआ, ग्रीन प्रोटोजोआ को क्या कहा जाता है? यूग्लिना। हाउ मेनी हार्ट चेंबर ऑफ ए क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में कितना हार्ट चेंबर होता है? 13, और ये सबसे मैक्सिमम है। अगर पूछा जाए मैक्सिमम हार्ट चेंबर किसका है तो वो है कॉकरोच का है, सॉरी क्रोकोडाइल बोल दिया, कॉकरोच का है। और कॉकरोच का कितना हार्ट चेंबर पूछा जाता है? वो है 13। द स्मॉलेस्ट लिविंग बर्ड इज, स्मॉलेस्ट लिविंग बर्ड कौन सा है? हाइमिंग बर्ड स्मॉलिंग लिविंग बर्ड है। फादर ऑफ बोटानी, फादर ऑफ बोटानी किसे कहा जाता है? थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बोटानी कहा जाता है। एरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी एज वेल एज बायोलॉजी भी कहा जाता है। द लार्जेस्ट ओवल ऑफ प्लांट इज, साइकस लार्जेस्ट ओवल है। वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावरिंग प्लांट, विश्व का लार्जेस्ट फ्लावरिंग प्लांट कौन सा है? रेफ्लेसिया, रेफ्लेसिया विश्व का सबसे लार्जेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट कौन सा है? उल्फिया, उल्फिया वर्ल्ड स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट बायोफिल्टर की बात करें तो वो है डाउसोनिया। द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट बायोफिल्टर की बात करें तो वो है जोप्सिस। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है। व्हाट इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ ए फॉग, फॉग का लार्जेस्ट बोन कौन सा है? फॉग का लार्जेस्ट बोन को कहा जाता है टिबियो फ्लुआ, टिबियो फ्लुआ फॉग का लार्जेस्ट बोन होता है। डिजीज काला आजार इज कॉज्ड बाय, किस कारण काला आजार डिजीज होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। मैलेरिया डिजीज इज कॉज्ड बाय, फीमेल एनोफिलिंग्स मॉस्किटो के द्वारा मैलेरिया डिजीज छड़ाया जाता है। व्हिच इज द मेजर सोर्स ऑफ सुगर, शुगर का सबसे बड़ा सोर्स क्या होता है? शुगर केन, शुगर का सबसे बड़ा सोर्स होता है। व्हाट इज द ब्रेक बोन फीवर, ब्रेक बोन फीवर को और भी क्या कहा जाता है? डेंगू को कभी कभी उसे भी ब्रेक बोन फीवर कहा जाता है। ए डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच मिनरल्स इज मोस्ट लकीली टू लीड टू ए इम्यूनो डेफिशिएंसी, ये किसके वजह से? ए जिंक की वजह से। द डिजीज ऑफ द फूट एंड माउथ इन द एनिमल आर कॉज, जो फूट एंड माउथ में जो सारे एनिमल्स के डिजीज होता है वो किसके कारण होता है? वो सारे वायरस के कारण होते हैं। द सेल वॉल ऑफ एल्जाई इज मेड ऑफ, एल्जाई का सेल वॉल किससे बना होता है? एल्जाई की सेल वॉल सेलुलोज से बनाया होता है। किसकी कमी की वजह से थायराइड ग्लैंड एक्सेसिव ग्रोथ कर जाता है? आयोडीन की कमी की वजह से थायराइड ग्लैंड एक्सेसिव ग्रोथ कर जाता है। व्हिच इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट इज रिप्रेजेंट फॉर ट्रांसमिशन, क्या है वो? स्टोमाटा। ब्लड डज नॉट क्वागुलेट इनसाइड द बॉडी ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ, किसके प्रेजेंट रहने से ये होता है? हेफारिन के। व्हिच ऑर्गेनेल इन द सेल अदर देन न्यूक्लियस इज कॉन्टेन डीएनए, डीएनए न्यूक्लियस के अलावा और किस में रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है।
From which part of the plant photosynthesis occurs? प्लांट के किस पार्ट में फोटोसिंथेसिस होता है? क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है. What is the name of the mammals which is provide egg? एक मैमल्स के नाम बताइए जो एक प्रोवाइड करता है यानी अंडे देता है. वो डगबिल प्लेटियस वो अंडे देता है. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉस्ट हेपेटाइटिस बी किसके कारण होता है? ये भी वायरस के कारण होता है. अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑर्गन ब्रेक फैट टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल? कौन सा ऑर्गन ब्रेक फैट को ब्रेक करता है कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करने के लिए? वो है लीवर. हाउ मच प्रोटीन ए वर्किंग वुमन मस्ट इनटेक एवरी डे एक वर्किंग करने वाली महिला को कितने प्रोटीन इनटेक करना चाहिए यानी लेना चाहिए? वो 45 ग्राम. ब्लड इज ए क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है. इन व्हिच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी द लिम्फोसाइट्स सेल आर फाउंड? कहाँ पे मिलता है? स्पेलन में मिलता है. द ओनियन इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, ओनियन जो होता है वो मॉडिफाइड फॉर्म किसका होता है? स्टीम का मॉडिफाइड फॉर्म होता है. हु प्रोड्यूस द थ्योरी ऑफ एलोवेशन? एलोवेशन का थ्योरी किसने दिया था? डार्विन ने दिया था. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो का अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में.